आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। आज पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 जिलों में नव निर्मित सहरसा, नवगछिया, भागलपुर, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, अरवल, सासाराम, लखीसराय, दरभंगा, औरंगाबाद में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने पटना के प्रदेश कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। बिहार कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सीपी ठाकुर, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद रहे। पटना से रामजी की रिपोर्ट। मौका मिला है, मैं बैठा बैठा ये भी याद कर रहा था कि बहुत से लोग, नई पीढ़ी है उनको शायद जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का याद न हो। यही सरपेंटाइन रोड थी, जिस सरपेंटाइन रोड से हम आगे बढ़े थे 18 मार्च 1974, और नंद किशोर जी को याद होगा किस तरीके से अश्रु गैस, गोलियां बरसाई गई, लाठियां चली, किस तरीके से छात्रों पर उस समय बर्बरता हुई। अब्दुल गफूर जी की सरकार थी, और उस समय से मैं तो एक छात्र था, राजनीति से दूर का भी वास्ता नहीं था, लेकिन उस मोड़ ने मुझे राजनीतिक दृष्टि की तरफ प्रेरित कर दिया कि अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो वह लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, उसके लिए चाहे जिंदगी लग जाए। इसलिए ऐसे भूमि के साथ जब अपने आप को जोड़कर मैं देखता हूं तो आप समझ सकते हैं कि मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। आज मुझे कार्यालय का 11 कार्यालयों के निर्माण पूर्ण होने पर उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। लोगों नीचे रख ले भाई। हम बचपन में कहा करते थे कि किसी भी संगठन को चलना चाहिए तो उसके 5 क होने चाहिए। सबसे पहले तो कार्यकर्ता होना चाहिए, फिर कार्यक्रम होना चाहिए, फिर कार्यकारिणी होनी चाहिए, फिर कोष होना चाहिए, और इन सबको चलाने के लिए कोई स्थान होना चाहिए, इसलिए कार्यालय होना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री ने इस रचना को एक साकार रूप में दिया। उन्होंने योजना बनाई कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जिला बिना कार्यालय के नहीं रहेगा।